इस समय हरीश रावत है हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कहते हैं, क्योंकि लगातार ही कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ लोग नाराज भी हैं। नहीं नहीं है, ये कंटिन्यूएशन है पुरानी सरकार। हरीश जी ये बताएं कि आज काफी लोग नाराज हो गए हैं और कहीं कर दिया, कहीं उन्होंने अपनी कुछ आशंकाएं जाहिर की हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसी को छोड़ा नहीं गया है, बल्कि पार्टी में उन सब की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। सभी हमारे महत्वपूर्ण नेता हैं और किसी उस सरकार में काम कर रहे हैं, जो सरकार में काम नहीं कर रहे हैं उनको पार्टी में। कहा जा रहा है कि 5 लोग मंत्री हैं वो काफी निराश हैं, उन्होंने कहा कि हाईकमांड एक बार हमसे पूछ लेती। देखिए जो परंपराएं हैं उन्हीं का पालन किया गया है, लेकिन किसी को किसी अन्य कारण से नहीं किया गया, बल्कि नए 7 लोगों को लेने के लिए एक जनरेशनल चेंज, एक सामाजिक बैलेंस। आप देखिए तो वाल्मीकि पहली बार आया है मंत्रिमंडल में, ओबीसी को स्थान दिया गया है, तो सभी लोगों को सभी वर्गों को स्थान दिया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा 2022 में कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को जगह बनानी पड़ी। जिन्होंने जगह बनाई है पार्टी उनका आभारी है, पार्टी उनकी आभारी है और उन लोगों को पार्टी के अंदर महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है कि 2022 में नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। देखिए ऐसा ये मामला हमारी पार्टी में केवल पार्टी लीडर श्रीमती सोनिया गांधी निर्धारित करती है। ये मेरी व्यक्तिगत मानने का कोई सवाल नहीं, मैं तो जो पार्टी प्रेजिडेंट हैं और श्री चेन्नई साहब मुख्यमंत्री हैं, दोनों को मिल करके साथ साथ आगे चल करके पार्टी को जीत की तरफ लेकर के जाना है। आप हमारे जो वर्तमान निर्णय है उसके आलोक में चीजों को देखिए और आप उसके अनुसार जो है उसी के अनुसार मुख्यमंत्री दलित चेहरा ही होगा आगे। मैं सर दलित चेहरा ही होगा, चेहरा बदला जाए, जट सिख होगा, जट सिख होगा। बताइए देखिए पार्टी के अंदर जो आज है दोनों को साथ लेकर के 2022 की जीत के लिए काम करना है। जैसे भी 2022 की जीत हासिल होगी हम आप सब की भावनाओं का आदर करते हुए निर्णय लेंगे। पार्टी करप्शन की बात करते हैं लेकिन आज 6 MLA जाते हैं और वो कहते हैं कि वहाँ पे राणा गुरजीत पे करप्शन के चार्जेस है लेकिन उनको हटाया गया। हमने सारे रिकॉर्ड देख लिए, जब विधानसभा के पटल में रखा हुआ रिकॉर्ड भी देख लिया और उसके बाद ही जो है किसी को सब लोगों के रिकॉर्ड को देखने के बाद ही इंक्लूज किसी को मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया। 2022 में बता दीजिए कि जट सिख होगा मुख्यमंत्री, जहां दलित होगा या ओबीसी होगा। सो वेल वी कैन सी दैट दिस इज हरीश रावत। आज हमने कहा ना कि 2022 में आप हमारी जीत के लिए शुभकामनाएं दीजिए और उसके बाद हमारी पार्टी की लीडर तय करें। किसने कहा आपसे, आप कह रहे हैं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आप भी बता दीजिए, हम आप जो कह रहे हैं वो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अपने खुद कह रहे हैं कुछ। ये थे हरीश रावत जो बता रहे हैं कि किस तरह की रणनीति होगी 2022 में। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल, इंग्लिश न्यूज 24 चंडीगढ़।